नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब आशा करता हूं कि आप हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं और दृष्टि जुडिशरी आप सबके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है और आप सब तक विधि की बेहतर जानकारी भी पहुंच रही है आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है जिसपे हम चर्चा आपके साथ काफी दिनों से करना चाह रहे थे हम सब देखते हैं कि समाज में बहुत तरीके के ऑफेंसेस होते हैं क्राइम्स होते हैं और इंडियन एविडेंस एक्ट हमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन देता है रिलेटेड टू कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर अब मैं आपको बता दूं कन्फेशन का मतलब क्या होता है बहुत ब्रीफ में कन्फेशन बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ एन एडमिशन अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट Wherein the person admits to his guilt in complete clarity and totality. I'll repeat myself confession is a type of statement, a subspecies of admission. That means a type of admission because confession and admissions both are, both are types of statements. Admission is a little broader term. Confession is a little more specific in the sphere of admission. So, what do you mean by a confession basically? Confession is basically a statement wherein a person admits to his guilt that yes, he or she is the one who has committed the offense or has been a part of the commission of the offense if there are more accused than one. जहां पे एक व्यक्ति अपने गिल्ट को पूरी तरीके से मान लेता है और ये अन इक्विवोकल टर्म्स में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये स्पष्ट कर देता है पर्सन इज इन्वॉल्व इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस या तो वो उसी व्यक्ति ने ऑफेंस करा है या द पर्सन इज इन्वॉल्व इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस बेसिकली देयर ओन गिल्ट उसे कहते हैं हम एक कन्फेशन बहुत क्लियर होना चाहिए बहुत स्पष्ट होना चाहिए खैर इसकी चर्चा भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872) से रिलेटेड रहती है और उसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हम देखते हैं सेक्शन 25 एंड 26 एक प्रोहिबिशन लगाते हैं दैट इफ अ कन्फेशन

कन्फेशन मेड बाय सच अ पर्सन कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट द कन्फेशन मेकर जो वो कन्फेशन दे रहे हैं उनके खिलाफ इसको एक एविडेंस की तरह यूज नहीं करा जा सकता ये सेक्शन ट्वेंटी फाइव कहता है अब उनके फेवर में यूज करा जा सकता है सी दैट इज अनादर डायमेंशन बिकॉज जनरली पीपल थिंक दैट कन्फेशन मेड टू अफिसर इज नॉट एडमिस आई एम सो सॉरी It might be admissible in a lot of ways. Confession made to a police officer is not admissible as evidence against the confession maker. Agreed. Wonderful. Correct. But can that confession made to a police officer by an accused person be used as evidence in his favor? Might be to prove threat, inducement, or duress from the police officer. There are multiple ways. That is how the law should be read. दैट इज़ हाउ इट इज रिटन इन द इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 26 की बात करें जो दूसरा प्रोहिबिशन है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में यानी कि पूरे तरीके से पुलिस ऑफिसर के नियंत्रण कंट्रोल निगरानी में है और तब उस कस्टडी में रहते हुए वह व्यक्ति किसी को कन्फेशन देते किसी के साथ अपना गिल्ट कन्फेस करते कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो चाहे पुलिस वाले हों चाहे नहीं अगर वह व्यक्ति पुलिस कस्टडी में और फिर कन्फेशन दे रहे हैं तो उस कन्फेशन को भी आप हाँ, उस व्यक्ति के अगेंस्ट एस एविडेंस यूज नहीं कर सकते सेक्शन 25 एंड 26 ऑफ़ द इंडियन एविडेंस एक्ट ये प्रोहिबिशन लगाते सेक्शन 25 26. 25 26, मेड टू अ पुलिस ऑफिसर एंड 26 सिक्स वाइल इन पुलिस कस्टडी मेड टू एनी बहुत सिंपल तौर पे मैंने आपको बताया कि ये दोनों प्रोहिबिशन है पर अगर आप एविडेंस एक्ट में भी देखेंगे और साथ साथ अगर आप रीडायरेक्ट होंगे एविडेंस एक्ट से टू सीआरपीसी 1973 तो वहां पे आपको एक प्रोविजन मिलता है सेक्शन 164 जिसको आम भाषा में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या प्रैक्टिस करते हुए लॉयर्स से किसी से मिलेंगे तो कहते 164 के बयान 164 सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी टॉक्स प्राइमरीली अबाउट टू थिंग्स इट इज रिलेटेड टू कन्फेशन एंड इट इज रिलेटेड टू स्टेटमेंट्स एंड लेट मी टेल यू सेक्शन 164 और कुछ नहीं बताता सिंस इट्स अ प्रोसीजरल लॉ सेक्शन 164 इज सिंपली टॉकिंग अबाउट प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग सच कन्फेशन और स्टेटमेंट द प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग सच कन्फेशन और स्टेटमेंट दैट इज वॉट बीन गिवेन इन सेक्शन वन सिक्सटी फोर उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल गाइडलाइंस जो है उनके भी एडिशन है जिसके बारे में हम अभी चर्चा आपके साथ बहुत विस्तार से करने वाले हैं सेक्शन वन सिक्सटी फोर यह बात करता है कि दैट एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वेदर दैट मैजिस्ट्रेट हैजरिस्टिक्शन टू ट्राई द केस ऑर नॉट यानी कि जरूरी नहीं है कि वो एरिया मैजिस्ट्रेट एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैज दावर टू डू वॉट टू रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं रिकॉर्ड अ कंफेशन और अ स्टेटमेंट मेड टू सच जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ना तो इंक्वायरी में ना तो ट्रायल ये दोनों स्टेजेस पे 164 की कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो सकती सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की ड्यूरेशन में, दट इज ओनली ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ओनली ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट

क्योंकि लेट अस से द अक्यूज पर्सन वांट्स टू कन्फेस और लेट अस से द सेव पर्सन वांट्स टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ कोर्स जहां पे आपका गिल्ट कन्फेस्ट नहीं हो रहा और अगर आपको कोई स्टेटमेंट देनी है तो वो स्टेटमेंट की कैटेगरी में आएगी और अक्यूज पर्सन भी दे सकते हैं जरूरी नहीं करें अक्यूज पर्सन स्टेटमेंट भी दे सकते हैं या कोई विटनेस या विक्टिम की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना यू वॉन्ट टू रिकॉर्ड इट इन सच अ मैनर दट इट इंस्पायर लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस वहां पर किसी भी तरीके की फाउल प्ले किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की गुंजाइश ना हो आपको इस तरीके से वो स्टेटमेंट या कन्फेशन को रिकॉर्ड करवाना है ऑफकोर्स बिकॉज यू कांट अब्यूज द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट यू हैव टू सी द जस्टिस इज सर्व्ड इन द सोसाइटी क्राइम में काम भी आएगा डेफिनेटली तो अगर आपने कन्फेशन रिकॉर्ड करवानी है मान लीजिए अक्यूस्ड की हम फोकस करते हैं कन्फेशन बीइंग रिकॉर्डेड बाय अ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट अब अगर कन्फेशन पुलिस अफसर को देते तो इट इज हिट बाय 25 व्हाइल इन कस्टडी किसी को देते इट इज हिट बाय 26 बट वहीं पे आपको एज एन एक्सेप्शन सेक्शन 164 सामने आ जाता जहां पे अगर एक अक्यूस्ड पर्सन चाहे तो मैजिस्ट्रेट साहब के समक्ष खड़े होकर कन्फेस्ट कर सकते डेफिनेटली कन्फेस्ट कर सकते वेदर द मैजिस्ट्रेट हैज और नॉट काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे हो सकता है इंक्वायरी या ट्रायल की स्टेज पे नहीं हो सकता कभी कभार इन्वेस्टिगेशन खत्म होने पे और इंक्वायरी शुरू होने में जब मैजिस्ट्रेट साहब हो सकता है अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर रहे हो कॉग्निजेंस लेने से पहले तब भी थोड़ा सा टाइम गैप होता है उस टाइम पीरियड में भी हो सकता है बट वंस द इंक्वायरी स्टार्ट एंड वंस ऑफकोर्स द ट्रायल स्टार्ट इन दोनों स्टेजेस पे आप कन्फेशन या स्टेटमेंट वन सिक्सटी फोर के अंतर्गत रिकॉर्ड नहीं कर सकते व्हाट इज एन इंक्वायरी व्हाट इज अ ट्रायल दैट्स अपरेट इश्यू ऑल टूगेदर अब सेक्शन वन सिक्सटी फोर और साथ ही साथ डिफरेंट प्रैक्टिस

उन सेफ की हम आपके साथ आज चर्चा करने वाले और ये सेफ माइंड यू दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वन फॉर यू टू नो सेकेंडली वाई बिकॉज एग्जामिनेशन में डेफिनेटली दिस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फैक्चुअल क्वेश्चन में अप्रिसिएशन में हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए इनफैक्ट दिस माइट इवन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट इज आस्ट इंटरव्यू में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो एंड ऑल्सो वेन यू बिकम अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यू शुड हैव अ वेरी वेरी नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट क्या सेफ हैं आइए सेफ गार्ड के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट द मैजिस्ट्रेट इंक्वायर्स अबाउट वॉलेंटरी कैरेक्टर ऑफ द कन्फेशन वॉलेंटरी कैरेक्टर ऑफ द कन्फेशन दैट मीन्स ऐसा ना हो कि वह व्यक्ति किसी के दबाव में आकर डर थ्रेटन होकर प्रेशर में आकर कोअर्स होकर वो कन्फेशन आपको दे रहा हो ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को देखना है दैट कहीं ये अक्यूज पर्सन पुलिस वालों के दबाव में तो नहीं कहीं अक्यूज पर्सन अपने किसी घर वाले के दबाव में तो नहीं है इज इट दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज ट्राइंग टू सेव समबडी एल्स ध्यान रखिएगा कन्फेशन के मेरिट्स में नहीं जाना है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब को पर इतना जरूर देखना है कि वो जो कन्फेशन

आप देखिए कि अक्यूज का भाव कैसे अक्यूज किस तरीके से एक्ट करते ऐसा तो नहीं कि अक्यूज इज एक्सट्रीमली स्कैड क्राइंग एंड सेंग साहब मुझे बचा लो हां हां मैंने ही करा है जद साहब बचा लो मैंने ही करा है क्या इस तरीके का डिमीनियर तो नहीं है अक्यूज का नॉर्मल जद साहब के पास अगर लेटर से इफ देर इज अनकनेक्टेड पुलिस ऑफिसर यानी कि उस केस से रिलेटेड नहीं कोई तो और पुलिस ऑफिसर अगर वहां पर मौजूद है तो ऐसा तो नहीं पुलिस ऑफिसर को देखते ही अक्यूज एकदम सहम जाता है डर जाता है उसको लगता है नहीं यहां मुझे नहीं रहना क्या ऐसा तो नहीं कि अक्यूज इज प्रोफ्यूजली क्राइम ही इज जस्ट वॉन्टिंग टू गेट ओवर विद द फैक्ट भाई कन्फेशन ले लो मुझे जाने दो बस मैंने हाँ मैंने ही करा है अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा। इस तरीके के हाव भाव तो नहीं है अक्यूस्ट के। ये डिमीनर देखना बहुत जरूरी है। इससे पता चलेगा कि ये कन्फेशन देने के पीछे की कहानी क्या है बिकॉज आपको ये इंश्योर करना है कि जस्टिसबल तरीके से ये रिकॉर्ड हो रही एवरी लॉ हैज टू कंप्लाई विद द नॉर्म दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन The principle of fairness, equity, reasonableness, non arbitrariness, principles of natural justice, they have to be complied with. Similarly, here also, is it, is it very non arbitrary or is it very reasonable that the person is being threatened and then he is giving a confession and you are simply just recording it? No. Procedure is the handmaiden of justice and not its mistress. जस्टिस हम पहले देखेंगे प्रोसीजर हम फिर भी सेकंड स्टेप में फॉलो करेंगे दैट इज अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन और क्या सेफ गार्ड होते हैं देर इज नाट द सेफ गार्ड सी इफ द कन्फेशन मेकर इज कमिंग फ्रॉम पुलिस कस्टडी तो आप कूलिंग ऑफ पीरियड देते इसका क्या मतलब है कि यदि वो कन्फेशन मेकर सीधे पुलिस कस्टडी से आपके पास आए और कह रहे हैं कि अब मेरे को कन्फेशन देनी तो आप उनको कूलिंग ऑफ पीरियड देते हैं ऑफ़ पीरियड देके आप क्या करते हैं आप उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स चौबीस घंटे के लिए आप उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं जुडिशियल कस्टडी पुलिस कस्टडी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ट पुलिस कस्टडी का मतलब होता है थाने की कस्टडी जहां पे एक व्यक्ति पुलिस की कंट्रोल में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कंट्रोल में थाने में रहते ज्यूडिशियल कस्टडी व्हेन यू आर कस्टोडिया लेज दैट मींस इन द कस्टडी ऑफ द लॉ इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट वहां पे आप प्रिजन में लॉज्ड होते हैं प्रिजन में रहते हैं जेल में रहते हैं जिसे कहा जाता है तो आपको वह पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनके कंट्रोल से निकालकर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है सो दैट यू फील अ लिटिल मोर सेफ सिक्योर दैट इज व्हाट इट इज यू माइट बी थ्रटेंड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस यू माइट बी इनडायरेक्टली गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस तो अगर आप पुलिस कस्टडी से सीधा आए हैं मैजिस्ट्रेट साहब के पास मैजिस्ट्रेट साहब को चौबीस घंटे के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज देते सीआरपीसी में सेक्शन 164 में भी ये बात एक लिखी है दैट इफ अक्यूज रिफ्यूजेज टू मेक कन्फेशन यानी कि अक्यूज कन्फेशन देने के लिए आए थे बट इफ ही सेज दैट ही इज नॉट विलिंग टू गिव द कन्फेशन ही शैल बी सेंट टू शैल बी सेंट टू जुडिशियल कस्टडी एंड नॉट पुलिस कस्टडी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर अब कन्फेशन के लिए देने के लिए अक्यूज महोदय आए हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब खड़े जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब ने पूछा भाई कन्फेशन देना चाहते हो तो उन्होंने कहा नहीं सर वर्ड यूज वर्ड क्या यूज हुआ है देखिए सेक्शन 164 में नॉट विलिंग द वर्ड इज विल देयर इच्छा कोई बहुत भारी शब्द नहीं है ही सैटिस्फाइज द कोर्ट दैट ही इज नॉट गोइंग टू मेक द कन्फेशन ऐसा कुछ नहीं है उसका ही सिंपली नॉट विलिंग मेरी इच्छा नहीं सो सिंपल इट्स माई चॉइस मेरी इच्छा नहीं है So, अगर अक्यूज कह देते हैं मेरी इच्छा नहीं है कन्फेशन देने की आई एम तो आप उनको वापस पुलिस कस्टडी में तो बिल्कुल नहीं भेजे मैजिस्ट्रेट साहब टेक द हिंट ये लॉ बता रहा है टेक द हिंट अक्यूज कन्फेशन देने के लिए ही कोर्ट में आए थे पुलिस वाले लेकर आए आपके सामने आते ही उनके अंदर थोड़ा सा सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गई शायद कस्टडी में मत भेज देना यू डोंट नो वाइट है कन्फेशन वाई डू वॉन्ट दैट सो सॉरी नो यू विल नॉट सेंड दूस बैक टू पुलिस कस्टडी रिवील योर आइडेंटिटी क्लियरली ये भी एक बात है मैजिस्ट्रेट हिज आइडेंटिटी टू दी जो कन्फेशन दे रहे हैं उनको मैजिस्ट्रेट साहब ये बताए कि मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूं मैं मैजिस्ट्रेट हूं न्यायाधीश हूं आपको किसी भी तरीके से प्रेशर में आने की डरने की घबराने की जरूरत नहीं है आई एम अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आई एम नॉट अ पुलिस ऑफिसर

स्टेटमेंट अंडर सेक्शन तो उनको अपनी आइडेंटिटी भी रिवील करनी है मैजिस्ट्रेट साहब को मैं मैजिस्ट्रेट ऑफिसर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है एवरीबडी इज नॉट लिविंग इन मेट्रोपोलिटन एरियाबडी इज नॉट दैट वेल लिटरेट अर्सन माइट बी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड आप उनको बताइए इसका पर्पज यही है यू कॉन्ट हैस्टिस इन दैंड ऑफ अ फ्यू ज टू बी एक्सेबल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एट ईच एंड एवरी इंच ऑफ द लैंड यू इन्फॉर्म दैट पर्सन दैट मैं मैजिस्ट्रेट हूं न्यायाधीश हूं पुलिस वाला नहीं हूं घबराने की कोई जरूरत नहीं आप देखिए कि क्या अक्यूज की बॉडी पे कोई इंजुरी तो नहीं एग्जामिन वॉट मेडिकल कंडीशन आप ऑफ द अक्यूस्ड मेडिकल कंडीशन कैसे एग्जामिन करेंगे वहां पे मजिस्ट्रेट साहब स्टेथोस्कोप लेके शुरू होंगे नहीं जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है उसको देखिए किस तरीके की इंजरीज हैं मार्क्स हैं जो अक्यूस्ड की बॉडी पे प्रेजेंट है और उनको नोट करा गया है क्या इस समय अक्यूस्ड पता चले अक्यूज लंगड़ाते लंगड़ाते आ रहे हैं भाई क्या हुआ था ये हाथ में पट्टी बंधी है यहां से खून निकल रहा है यहां नील पड़ा हुआ है ये सब चीजों को मैजिस्ट्रेट साहब ऑब्जर्व करेंगे कि भाई मेडिकल एग्जामिनेशन उनका करें कि भाई क्या तुम्हारी कंडीशन इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट द मैजिस्ट्रेट इज कंडक्टिंग अ मेडिकल एग्जामिनेशन बट ही इज ट्राइंग टू एग्जामिन व्हाट इज द करंट मेडिकल कंडीशन ऑफ दिस अक्यूज्ड कोई इंजरी मार्क्स तो नहीं है अगर है तो क्यों आए इस बारे में पूछें पता चलेगा वॉलेंट्री नेचर है कि नहीं कन्फेशन का बिल्कुल पता चलेगा इससे कहीं ये किसी प्रेशराइजिंग टेक्निक का तो रिजल्ट नहीं है जो आपकी बॉडी पर ये इंजरीज हैं या मार्क्स आ गए हैं ये बहुत जरूरी है देखना बिल्कुल जरूरी है देखना यू इंक्वायर अबाउट हिज मेडिकल कंडीशन हाउ इज ही फीलिंग कोई चोट निशान तो नहीं है अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट रिमूव प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम कोर्ट स्पेसिफिकली जो पुलिस ऑफिसर उस केस से रिलेटेड है और, और भी अगर आपको तो कोई पुलिस ऑफिसर दिख रहे हैं जरा कोर्ट से उनको बाहर करिए पहले अक्यूज को फ्री माइंड दीजिए बिल्कुल फ्री माइंड दीजिए कि अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करे कि वो मैजिस्ट्रेट साहब से खुल के कुछ बोल सके अगर वो बोलना चाहते हैं तो रिलेटेड टू द कन्फेशन रिलेटेड टू हि सिचुएशन

को अ्यूज फ्रॉम कोर्ट इफ एनी अगर कोई को कोअ्यूज है अगर कोई को कोअ्यूज भी प्रेजेंट है कोर्ट में उनको भी जरा बाहर करिए हो सकता है वो, वो कोई इशारा कर दे इनके गैंग के लीडर ही हो पता चले कोई बात हो जाए हो सकता है ये पर्सन थ्रेटन हो जाए

you give the accused some time to think and ponder. Give accused. Give accused some time to think and ponder about making confession because if he makes the confession,

गिव सम टाइम टू थिंक एंड पॉन्डर कि भाई कन्फेशन देना भी चाहते हैं वो नहीं उनको बैठने दीजिए थोड़ी देर फॉर पर्सन टू सिट फॉर इन कोर्ट बैठ के उनको सोचने दीजिए क्या वो एक्चुअली में कन्फेशन देना चाह रहे हैं कि नहीं देना चाह रहे दिस इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस अब जो मैजिस्ट्रेट साहब की वार्निंग की बात कर रहा था अब वो वार्निंग क्या है वॉर्निंग बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वॉट इज द वॉर्निंग दैट सी यू आर नॉट बाउंड टू मेक द कंफेशन देखो भाई हो सकता है तुम्हें किसी ने कुछ बोला हो या तुम्हारे मन में कुछ आया हो जो भी सिचुएशन है ये सुन लो कि तुम बाध्य नहीं हो कन्फेशन देने के लिए इट इज नॉट समथिंग दैट यू आर बाउंड टू डू

बिल्कुल नहीं यू आर एब्सोल्यूटली नॉट बाउंड टू गिव द कन्फेशन ये वार्निंग मैजिस्ट्रेट साहब को देनी है जरूर देनी है एंड इफ यू गिव इट विल बी यूज एज इट विल बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट ये वार्निंग मैजिस्ट्रेट साहब को देनी है 164 में ही है इसका पर्पस क्या है इसका पर्पस ये है कि इतला कर दिया जाए अक्यूज को कन्फेशन मेकर को कि भाई जो भी बोल रहे हो अपनी खुद की इच्छा से बोलना यहाँ पे ना तुम्हें कोई प्रेशर कर रहा है और अगर किसी ने करा है तो इस प्रेशर का कोई मतलब नहीं है बिकॉज अगर तुम चाहो तो अभी कन्फेशन दो नहीं चाहते हो तो कन्फेशन बिल्कुल भी मत दो बिल्कुल भी मत दो वी आर एब्सोल्यूटली नॉट गोइंग टू प्रेशराइज यू टू Give a confession. Discourage नहीं करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब ध्यान रखिए, ना ही डिस्करेज करेंगे ना ही कन्फेशन के मेरिट्स में जाएंगे पर एटलीस्ट इतना जरूर करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब कि अक्यूज पर्सन को यह बता देंगे कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी ने प्रेशर करा है तो उस प्रेशर को तुम अब भूल जाओ अब आप मेरे समक्ष खड़े हो अगर चाहते हो तो कन्फेशन दो नहीं और अगर दे दी खिलाफ इसको एविडेंस की तरह ट्रायल स्टेज पे यूज करा जाएगा इसलिए सोच समझ के टाइम इज बिंगलोडिट की भाई पहले ही देख लो, है या नहीं जो पुलिस कस्टडी से आ रहे हैं तो चौबीस घंटे के लिए एटलीस्ट जुडिशियल कस्टडी में भेज दो थोड़ा सा फियर का एलिमेंट हटे प्रेशर का एलिमेंट हटे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई हैंडकफ है तो वो भी रिमूव कर दो इफ देर इज एनी हो सकता कोई बहुत खतरनाक केस हो। साइकोपैथिक किलर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ क्या कर सकते हो सिचुएशन में हैंडकफ्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ एवरीबडी इन द कोर्ट रूम जरूरी है पर ठीक है प्रेफरेबली अगर हो सकता है तो वो हथकड़ी अगर पहनाई हुई है तो उस फेटर्स को उन हैंड को हटा दिया क्योंकि तो अगर आप हटाओगे थोड़ा सा और वॉलेंट्री नेचर फ्री माहौल बनता है अक्यूज फिर दे सकते बिकॉज आप किसी को सेल्फ इनक्रिमिनेट नहीं करवा सकते आई होप आई एम मेकिंग सेंस आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज थ्री

लेकिन अगर वह व्यक्ति किसी भी तरीके से प्रेशराइज्ड है थ्रेटनड है अंडर ड्यूरेस है नो एब्सोल्युटली नो नथिंग डूइंग द कन्फेशन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड आई होप इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आई हैव ट्राइड टू मेक इट एम्प्ली क्लियर व्हाट इज 164 ऑल अबाउट क्या बात करता है 164 कुछ-कुछ हिंट्स हियर एंड देयर आई हैव गिवन what are the various safeguards that have to be seen while recording of a confession by a judicial magistrate i hope the session has been fruitful and you have understood that justice is very important and that is why these safeguards are in place i'll meet you in the next session very soon please take care thank you so much